को मोर आपको दिखाऊंगा भाई। ओ भाई ये तो कुत्ता हो गया अपने आप। ये देखो कांच बिल्कुल बिखर गया। ये देखो मत निकाल बेटा, मम्मी मार रही है। तो टूट गया भाई, कैसे हो गया मेरे को भी नहीं पता, पूरा टूट चुका है भाई साहब। मैं खाना लेने आया हूँ, जब इन्हें का गैस ख्याल देख लेना ना क्या हो गया होगा भाई। देखो तो ये क्या खतरनाक सीन हो रखा है। वो कांच कैसे टूट सकता है यार, ये तो अच्छा है टूट के गए, सब फेंका है नहीं, यानी क्या तो हो जाता है भाई, क्या ही हो गया है तो है सभी। ये तो हमारा गैस ही टूटी है तो ये तो अब शायद नया गैस आएगा या तो ऊपर का कहां से शायद ही चेंज होता होगा। अब तो नया गैस आएगा, हमारा ये गैस की हालत देख के ऐसे लग रहा है। अब हादसा होते होते रह गया, ये तो बस भगवान की दया थी भाई। क्या क्या हो सकता था, कांच टूट के क्या ही हो सकता था इसका। थैंक यू भगवान। वैसे भी नहा लिया और वीडियो कल का व्लॉग अपलोड कर दिया है, एडिट करके मस्त एकदम फिलहाल हो गया। सो चुका है, सो ही रहा है, मतलब मम्मी वहाँ पे पर माच रही है फिलहाल। अभी अपन पैकिंग कर रहे हैं, कल निकलना है अपन को, तो एक दो ड्रेस लिए, एक ड्रेस पहन के जाएंगे, एक ड्रेस परसों के लिए। तो मैं जा रहा हूँ बुआ के यहाँ, क्यों जा रहा हूँ, किस काम के लिए जा रहा हूँ आपको पता चल जाएगा आने वाले ब्लॉग में। तो मस्त एकदम मिलता हूँ, थोड़ा काम है फिर। तो वैसे अभी छवि ने बनी अपने रिकॉर्ड को भी, आज मैं बाहर बैठा हूँ अंदर, लग रही गर्मी और बाहर बारिश आ रही, तो मस्त ठंडी ठंडी हवा भी आ रही है, इसलिए यहाँ पे बैठे हैं मस्त। तो थोड़ा काम है तो करते भी, बिजली रुकी नहीं है कड़, बस ये देखो फोटो बीत रहा है, ये भी गिर गया भाई, निकल नहीं जाए हो गया। क्या ही मौसम हो रहा है, बिजली रुक ही नहीं रहा, कड़क ही रही है कड़क, चीड़ नहीं जाओ भाई, पूरा गीला गीला हो गया। ओ ड्रम भी गिर गया, वहां में भी एक पौधा गिर गया। ओ देखो आप क्या ही पूरा लग रहा है, तो भाई डर लग रहा है, ध्यान चलेंगे और आवाज नहीं होगी आपको, बहुत तेज भोग रहा है, फिर भी नीचे से बर्फ। ये देखो ये रही भाई, लिटरली बर्फ आ रही है। ओ भाई पूरा गिर गया, खत्म हो चुकी है भाई, बहुत ही खतरनाक बारिश आई थी। तो अभी अपना डिनर भी हो चुका है, टाइम हो गया 9:30 10 बज चुकी है भाई। फिलहाल अभी जल्दी सोते हैं, सुबह 6 बजे से ट्रेन है तो अपन को 5 बजे उठना पड़ेगा, तो अपन जल्दी सोते हैं। लाल और यहाँ पे ये रहा, क्या बोले और क्या चिल्ला भाई, इतना तेज भोग रहा था तब बारिश आ रही थी भाई, अलग लेवल की बारिश आई। और फिलहाल अभी अपने लिए आए खरबूजे, तो मस्त फिलहाल वहाँ पे छवि छवि के बियर है, चलो क्या मीठा है, तो वैसे अभी बज चुकी है 11:30 और अभी तक लाइट नहीं आई है और इन्वर्टर भी बस बंद होने वाला है, यहाँ का पंखा बंद हो चुका है, तो धीरे धीरे सब कुछ बंद हो रहा है, सिर्फ एक पंखा और एक लाइट चल रही है, इतने में भी वो
टू टू कर रहा है, मतलब उसकी बैटरी लो हो चुकी है। ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा चल सकता है, उससे ज़्यादा नहीं चलेगा। और वो कभी खेलना, क्योंकि गर्मी लग रही है उससे, अभी तक सो जाता नहीं तो भाई अभी तक लाइट नहीं आई है, कब सोऊंगा मैं, नींद भी नहीं आ रही है, मैं लिटरली सो चुका था भाई, बाहर भी लाइट नहीं आ रही कहीं तो अपन तो कहीं बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। पता नहीं क्या हो रहा है, लाइट होगा, अभी तक लाइट ही नहीं आई है। टाइम को दिखा था मैं, 3 बज चुके लिटरली भाई, आधे घंटे बीच में लाइट आई थी जिसकी वजह से हमारा इन्वर्टर चार्ज हुआ, फिर वापस लाइट चली चुकी है, जा चुकी है भाई। इन्हें भी नींद नहीं आ रही है, ये भी परेशान हो रहे हैं, कभी ऐसे सो रहे कभी ऐसे सो रहे, इसके भी अलग ही चल रहे भाई, बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं आज तो। फिलहाल अभी 3 बज चुके हैं, 6 बजे की हमारी ट्रेन है, 3 बजे तक सोए नहीं है, अब तो शायद ही सो पाऊँगा, यदि सोया तो सुबह उठ नहीं पाऊँगा। सभी कसूर जो है लाइट हो गए, छोड़ो उपाय। अभी मैं मैगी बनाने आया था, इसको देख के वापस से डर गया हूँ, इसके तो अलग ही कुछ हो चुका है यार, पता नहीं क्या ही हो गया इसके साथ, पूरा कांच, या तो अब नया गैस आएगा या तो इसका कांच हटा के इसको यूज़ करेंगे भाई, यूज़ हो रहा है तो यूज़ करेंगे, वेस्ट नहीं जाने देंगे, नया आएगा तो ये किसी को दे देंगे, देखते क्या रहेगा। तो गाइस फिलहाल इस लोग एंड करते हैं, अभी टाइम हो गया 4:30, अभी अपन नहाने धोने जाएंगे, 1.5 घंटे के बाद अपनी ट्रेन है 6 बजे, मतलब तो अपन को यहाँ से लगभग 5:30 बजे ऐसा कुछ निकलना पड़ेगा, तो अभी 1 घंटे ही है तो जल्दी नहाते धोते निकलते। फिलहाल और यहाँ सो रहे हैं, सब चुके मम्मी और छवि भी सब सो चुके हैं, और गाइस भाई लिटरली पूरी रात में उन्हें नींद, अब जाके आई है अच्छे से लाइट, तो लगभग 4 बजे आई थी, तो बस भाई आज तो खतरनाक ही बारिश थी और वो गैस का भाई दोनों खतरनाक, आज का दिन तो अलग ही डेंजरस निकला। तो आई होप यू लोग आपको पसंद आया होगा, पसंद तो लाइक करना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। अगले व्लॉग के देखो यार, नसीराबाद जा रहे हैं अपन, मेरी बुआ का घर है, तो क्यों जा रहे हो आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखना पड़ेगा। तो अपना बैग पैक हो चुका है वो, और एक आम की पेटी ले जा रहे हैं बुआ के लिए, तो एक और दो रहेगा, उसमें लैपटॉप का बैग है भाई, लैपटॉप का बैग जरूरी है, नेक्स्ट लोग देखना जरूर।